दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में आपको कोई भी मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि यह एक नॉलेजफुल वीडियो है। तो अगर आपने कुछ नॉलेज लेने के पर्पस से इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो मेरा आप सभी से यह वादा है कि आप हमारी इस नॉलेजफुल वीडियो से ऐसा काफ़ी कुछ सीख व समझ पाएंगे जो सारी ज़िंदगी आपके काम ज़रूर आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रिस्क को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। आजकल के युवाओं और उनके माता पिता के मन से रिस्क लेने के डर को दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिस्क है तो ही जिंदगी है, क्या आप इस बात को मानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे। मैंने आज तक ना जाने ऐसे कितने ही पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को देखा है जो रिस्क लेने के नाम से ही घबराने लगते हैं। ऐसे ना जाने कितने ही माता पिता हैं जो अपने शिक्षित व समझदार बच्चों को भी रिस्क उठाने से मना कर देते हैं, जबकि बचपन से लेकर आज तक वे खुद ऐसे ना जाने कितने ही रिस्क उठाते चले आए हैं और आज भी रिस्क ही उठा रहे हैं। फिर भी ना जाने क्यों, जब बात आती है कोई नया बिजनेस करने की, भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की, एंटरप्रेन्योर बनने की, तो वही लोग घबरा जाते हैं, एक और रिस्क लेने से घबराने लगते हैं। जबकि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वे यह रिस्क लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वे सक्सेसफुल हो जाएंगे। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग तो 99% तक क्लियर होते हैं कि वे सफल हो जाएंगे, फिर भी वे लोग एक छोटे से फेलियर के डर से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, या इसी डर के कारण उनके माँ बाप भी उनको एक छोटा सा रिस्क लेने से मना कर देते हैं, और अपने इसी एक छोटे से निगेटिव डिसीजन के कारण अपने बच्चों के ना जाने कितने ही सपनों का गला घोंट देते हैं। क्या यह उचित निर्णय है? जबकि बचपन से लेकर आज तक वही माँ बाप अपने बच्चों को ही रिस्क लेना सिखाते आए हैं और खुद भी रिस्क उठाते आए हैं, या यूं कहें कि उन्होंने तो रिस्क उठाने में PhD कर रखी है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बचपन से ही रिस्क उठाकर बड़ा होने वाला इंसान अगर शिक्षित और समझदार होने के बाद भी रिस्क लेने से घबरा रहा है, डर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल चुका है कि वह आज तक ऐसे कितने ही रिस्क उठा चुका है और उनमें सफल भी हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि आज तक आपने या आपके माँ बाप ने किस किस तरह के रिस्क ले चुके हैं। इन एग्जाम्पल से आपको रिस्क फैक्टर को समझने में आसानी होगी। याद कीजिए, जब हम लोग एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे, इतने छोटे कि हम और आप ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे, तब हमारे माँ बाप हम लोगों को कुछ दूर तक अपने हाथों का सहारा देते थे और फिर खुद से ही चलने के लिए छोड़ देते थे, और हम लोग कुछ दूर डगमग चलने के बाद गिर जाया करते थे। हमारे माँ बाप हमें फिर सहारा देते थे और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, जबकि हमारे माँ बाप को यह बात अच्छी तरह से पता होती थी कि बच्चे को अकेला छोड़ने पर वह गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है, फिर भी वे लोग यह रिस्क क्यों उठाते थे? क्योंकि उन्हें पता होता था कि जब तक मेरा बच्चा गिरेगा नहीं, तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे और संभल कर चलना चाहिए। जब तक बच्चे को हल्की फुल्की चोट नहीं लगेगी, तब तक वह नहीं समझेगा कि गिरने से चोट लगती है, दर्द होता है, और अगर मुझे इस दर्द से बचना है तो संभल कर चलना ही पड़ेगा। और ऐसे ही गिरते उठते चलते संभलते हर एक बच्चा चलना सीख जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि जो माँ बाप बचपन में अपने नाजुक मासूम से बच्चे को चलना सिखाने के लिए रिस्क लेने को तैयार बैठे रहते थे, आज वही माँ बाप अपने नौजवान और शिक्षित बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए
रिस्क लेने से घबराने क्यों लगते हैं। चलिए माँ बाप को छोड़िए, अपनी बात करते हैं। दोस्तों याद है जब बचपन में हम लोग पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, ना जाने हम लोग कितनी बार गिरे, कितनी बार चोटें लगी, दर्द हुआ, पर क्या हमने साइकिल चलाना सीखना छोड़ दिया था? नहीं ना, क्योंकि हम लोग जानते थे कि अगर अभी यह रिस्क नहीं लेंगे तो ज़िंदगी भर साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। और इसी तरह से रिस्क उठाते उठाते हम लोग अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख ही गए ना। यानी पहली बार हमने खुद से एक रिस्क लिया और अंततः पास हो गए। इसी तरह से बाइक चलाने में रिस्क लिया और पास हुए। एजुकेशन टाइम में भी सड़कों पर आते जाते टीचर की मार सहते सहते ना जाने ही कितने छोटे बड़े जाने अनजाने रिस्क उठाए और सभी में पास होते चले आए। तो फिर लोग आज क्यों एक छोटा सा रिस्क लेने से घबराने लगते हैं? जब बचपन से ही हम सभी लोग रिस्क पर रिस्क उठाते चले आए हैं और ज़्यादातर रिस्क लेना सफल ही रहा है। और मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ में हम लोग एक दो बार फेल भी हो गए, असफल ही हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है यार? बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और बड़े से बड़े दार्शनिक विचारक जब इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तो फिर हमें असफल होने से इतना डर क्यों लगता है? क्या आप बिना फेलियर फेस किए ही सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप मुझे सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में बता दीजिए जो बिना फेल हुए, बिना असफल हुए सक्सेसफुल हो गया हो। है कोई ऐसा बंदा आपकी नज़र में? अगर होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पूरी दुनिया ढूंढ लोगे पर आपको एक भी ऐसा इंसान कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। गलतियां कर करके ही तो वह सीखता है, समझता है और तभी जीवन में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि बिना गलत किए और बिना रिस्क लिए सफलता को पाना असंभव सा है। आज भी हर दिन हम लोग ना जाने कितने रिस्क उठाते रहते हैं, जैसे कि आप मार्केट जाने या ऑफिस जाने के लिए या किसी और कार्य के लिए गाड़ी लेकर सड़कों पर तो निकलते ही होंगे। तो क्या वहाँ उस सड़क पर रिस्क नहीं है? इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, कोई भी गाड़ी आपको ठोक कर जा सकती है और आप मर भी सकते हैं, तो रिस्क तो है ही ना। पर क्या इस रिस्क के डर से आप कहीं भी आना जाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।